हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेरेस गार्डन। और मैं हूँ मौसमी मिनी पार्क से, और उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो मेरे क्लाइमेटिस पे इक्का दुक्का करके फ्लावर खिल रहे हैं, और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ क्योंकि ये प्लांट इस साल काफ़ी बड़ा हो गया है। और मैंने देखा है काफ़ी सारे वीडियोज़ में, ये सफ़ेद वाला जो क्लाइमेटिस, ये बहुत बेहतरीन फ्लावरिंग करने वाली प्लांट है। पर उतना सारा फ्लावरिंग करने के लिए मेरे प्लांट को और भी ज़्यादा ग्रो होना पड़ेगा, तो मैं कोशिश में हूँ, अच्छी तरह से देखभाल भी कर रही हूँ। और ये है मेरे अपराजिता के प्लांट, जो कि इस पल्ली लैडर में ही मैं ग्रो कर रही हूँ। असल में जगह की कमी हो जाती है ना, तो हर एक वाइन को अलग अलग तरीके से ग्रो करना पॉसिबल नहीं हो जाता। तो देख सकते हो मेरे जो एडेनियम मरून कलर के, कितने सारे बर्ड्स हैं इनमें, लेकिन धूप की वजह से ना सूख रहे हैं। लेकिन ये वाला जो एडेनियम है, ये अच्छी तरह से खिल रहे हैं। और इधर मेरे गुड़हल प्लांट पे देख सकते हो ढेरों सारे बर्ड्स बनी हैं। तो पहला फ्लावरिंग शुरू ही होने वाला है कुछ ही दिनों में। हार्ड प्रूनिंग करा दिया था, उसके बाद ढेरों सारे न्यू न्यू ब्रांचेस निकल आए हैं और ढेरों सारे बर्ड्स भी बने हैं। और आज ही एक वीडियो में मैंने देखा है, चलो बग बनी करे चैनल का नाम है, और उस पर एक गार्डनर है जिनके पास कितने सारे सारे एडेनियम्स है, और 50 साल के पुराने सारे एडेनियम्स, और इतने इतने लंबे। और वो देखने के बाद ना मन खुश हो गया। और फ्रेंड्स, आज ना दादा की हैप्पी बर्थडे है, तो बर्थडे के लिए मेरे गार्डन को सजाना भी है। तो फिर मिलेंगे शाम को।